यह एक प्रेमोद्रेक की सभा है, प्रेम का अतिशय उद्रेक आनंदित आप्लावित कर रहा है, भगवान की कथा सुधा की नित्य कादंबनी परिवर्षित परिप्लावित कर रही है, हमारे जीवन की मरुसंतप्त भूमि को आज उर्वरा बना रही है। सामान्य कथा नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जजमान भी अच्छा हो, पंडित भी अच्छा हो, पैसा भी अच्छा हो, पर कथा नहीं हो सकती है। विश्वामित्र इसके प्राण है, देश अच्छा है, देश अच्छा है, गंगा के किनारे बक्सर है, काल भी अच्छा है, सुंदर मुहूर्त में यज्ञ शुरू किया जा रहा है, पात्र भी अच्छा है, स्वयं विश्वामित्र प्रकांड विद्वान और ब्रह्मर्षि है, देश काल पात्र और कर्म भी अच्छा है, क्यों हम यज्ञ करने जा रहे हैं फिर भी यज्ञ नहीं हो पा रहा है, इसका कारण क्या है? देश भी अच्छा है, काल भी अच्छा है, कर्म भी अच्छा है, पात्र भी अच्छा है, आए आ गया विराज और आ गया इधर आ, लेकिन फिर भी यज्ञ नहीं हो पा रहा है, कारण क्या है? कभी विचार किया आपने? उसका एक कारण है भगवान की कृपा की कमी। ध्यान से सुन लें, देश अच्छा है, काल अच्छा है, पात्र अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कर्म भी अच्छा है, लेकिन एक चीज की कमी है, क्या? अनुज समेत देहु रघुनाथ अनिश्चर बध मैं हो सनाथ। विश्वामित्र के पास सब कुछ है लेकिन आज अनाथ है, तो काम तो केवल राम से चल जाता, लक्ष्मण को क्यों ले जा रहे हैं? बोले लक्ष्मण को इसलिए ले जा रहे हैं कि जग मह सकल निसाचर जेत और लक्ष्मण हन ही निमिष महते। निसाचरों को मारने वाले लक्ष्मण हैं, तो बोले राम जी से क्या कराएंगे? बोले राम जी से एक काम कराना है, आज तक सब कुछ है विश्वामित्र के पास लेकिन विश्वामित्र जी अनाथ है, आज तक उनका कोई नाथ नहीं है। जैसे हमारे कहते बिना नाथ पगाहा का, वैसे बिना नाथ के हैं। गोस्वामी जी के शब्दों का औरेव देखिए, का लक्ष्मण अनुज सहित, तो अनुज का अन्वय कर दिया लक्ष्मण के साथ और लक्ष्मण का अन्वय कर दिया निश्चर बध के साथ। ये देखिए ये मानस की चौपाई का, अनुज समेत देहु रघुनाथ, तो अनुज कौन है? लक्ष्मण, इनसे क्या करोगे? बोले निश्चर बध। और राम जी को लेकर क्या करोगे? बोले आज तक मैं अनाथ हूं और जब तक दीनानाथ नहीं जाएंगे तब तक मैं सनाथ नहीं हो सकता, निश्चर बध मैं हो भू सनाथ।